हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास टेंथ के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ हम पिछले वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए थे, और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे, और आज 10 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 10वां क्वेश्चन कह रहा है, समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस ky इक्वल टू 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या है। तो देखिए, अनगिनत हल कब होता है, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, यानी जब ये तीनों बराबर होता है तब अनगिनत हल होता है। a1 कितना है, a1 का मतलब समीकरण फर्स्ट में x के पहले वाला, तो 1 है। a2 कितना है, समीकरण सेकेंड में x के पहले वाला, 5 है। इक्वल टू b1 कितना है, 2 है। और b2 कितना है, b2 है k, तो यहाँ k लिख दिए। अब यहाँ क्रॉस इंटू करेंगे तो k से 1 में गुना होगा तो k, और 5 में 2 से इंटू कीजिएगा तो 5 2 10, यानी k इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। तो हमारा ऑप्शन जो है, हम किसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन सी को सेलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज ऑप्शन सी में 10 दिख रहा हमें। अब देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, a के किस मान के लिए 10x प्लस 5y इक्वल टू a माइनस 5 और 20x प्लस 10y माइनस a इक्वल टू 0 के अनगिनत हल है। यहाँ भी अनगिनत हल की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ भी हम लिख सकते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, बिकॉज यहाँ भी क्या है, अनगिनत हल है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि a, यहाँ c1 और c2 में a लगा हुआ है, हमें a का मान निकालना है और a हमें c1 और c2 में दिख रहा है। तो चलिए, हम करेंगे क्या, a1 बाई a2 को c1 बाई c2 के बराबर कर लेते हैं। a1 कितना है, 10 है, और a2 कितना है, 20 है, और फिर c1 कितना है, तो c1 a माइनस 5 को इधर लाइएगा तो माइनस a प्लस 5 हो जाएगा, और c2 माइनस a है। अब यहाँ भी 10 × 20 ये कट जाएगा, और क्रॉस इंटू कीजिएगा तो माइनस ए, और यहाँ कुछ नहीं है, एक है, तो माइनस ए रह गया। और 2 से इस दोनों में गुणा कीजिएगा तो माइनस 2a, और 2 × 5 = 10, ठीक है। 2a को इधर लाइए तो माइनस में इधर आएगा, प्लस में होगा, और इधर पहले ही से है माइनस ए बराबर उधर 10, तो 2a में से 10 घटेगा, a बचेगा, बराबर क्या हो गया, 10, यानी a बराबर कितना आंसर आया, इसका भी आ गया 10। ऑप्शन सी को हम इसमें भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 5 और x प्लस a माइनस b इंटू y इक्वल टू 10 के अनंत हल है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी चार ऑप्शन दिया है, उस चारों में से कौन सा सत्य है। और यहाँ भी क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका क्या है, अनंत हल है, तो आप इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, बिकॉज यहाँ चूंकि यहाँ पे कह रहा अनंत हल है। देखिए, यहाँ भी लिख देते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, इसलिए बिकॉज यहाँ भी कह रहा अनंत हल है, तो अनंत हल है, तो यही कंडीशन अप्लाई होगा। और यहाँ पे देखिए, आप a1 कितना है, a1 a है, तो a1 की जगह पे a भर दिए। a2 कितना है, सॉरी, a1 यानी समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक, तो 1 है, और a2 कितना है, a है। फिर b1 देखिए, तो b1 मतलब y से पहले वाला, 2 है, और b2 कितना है, b2 हो गया आपका a माइनस b, तो यहाँ लिख दिए a माइनस b। अब आप यहाँ पे क्रॉस इंटू कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 2a बराबर 1 से इसमें गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा, तो ये हो गया 2a, आइए a माइन प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, और b माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में, और इस साइड कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 0, तो 2a में से a घटाइएगा, a बचेगा, प्लस b बराबर 0, तो a प्लस b बराबर 0 आ रहा है। और देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में है, तो a प्लस b बराबर 0 ऑप्शन a में दिख रहा है, यानी हमारा ऑप्शन a ही सही है, ठीक है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 13 पर, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 13 नंबर में बताया गया है कि a के किस मान के लिए, पूछा जा रहा है आपसे a के किस मान के लिए, यहाँ भी 2 समीकरण दिया हुआ है, इसका एक अद्वितीय हल है। तो आप सबको पता है कि अद्वितीय हल कब होता है, तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि अद्वितीय हल है और आपको पता ही है कि अद्वितीय हल तब होता है जब a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। तो a1 कितना भाई, a1 है आपका a, और a2 कितना है, a2 है 6, इज नॉट इज इक्वल टू b1 कितना है, माइनस 1, और b2 है -2।
अब यहाँ पे आप माइनस से माइनस को कटा सकते हैं, अब क्रॉस इंटू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2a इज नॉट इजकल टू 6 एकम 6, यानी a इज नॉट इजकल टू 6, और ये 2 इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो 2 से 3 बार में कट जाएगा, यानी a इज नॉट इजकल टू क्या हो गया 3। तो यहाँ a के किस मान के लिए पूछ रहा था, तो क्या आया, a इज नॉट इजकल टू 3 आया, तो इसका ऑप्शन b को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि b में ही दिख रहा है नॉट इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद आप आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन पे, 14 नंबर पे, और यहाँ पे कह रहा है यदि समीकरण निकाय, यहाँ भी दो समीकरण दिया हुआ है, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अनंत हल है, तो यहाँ ए और बी दोनों का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जब अनंत हल होता है उस कंडीशन में क्या होता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होता है। a1 कितना है जी, क्वेश्चन में a1 आपको दिख रहा है 2 है, तो a1 के जगह पे 2 फिल कर दिए। a2 कितना है, a2 है 2a, और फिर इज इक्वल टू b1 कितना है, तो b1 हो गया आपका 3, और b2 कितना है, तो b2 हो गया a प्लस बी। c1 कितना है, c1 है 7, इधर लाइएगा -7 होगा, और c2 है 28 को इधर लाइएगा तो -28 होगा, लेकिन माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा। अब देखिए ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे ना, तो ये हो गया 1 by a इज इक्वल टू 3 by a प्लस बी, और यहाँ 7 चौका 28, तो ये हो गया बराबर 1 by 4। अब इस दोनों को, इसको भी इसके बराबर पहले करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, पहले 1 by a को 1 by 4 के बराबर कीजिए, तो क्रॉस इंटू कीजिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, और फिर इसके बाद 3 by a प्लस बी को भी आप 1 by 4 के बराबर कीजिए, तो ये हो गया 3, अब बाई a के जगह पे आप कितना फिल कर सकते हैं 4, a का वैल्यू 4 आया है ना, a के जगह पर 4 रख दिए, प्लस b बराबर 1 by 4, यहाँ पे क्रॉस इंटू कीजिए तो 4 plus b इज कल टू 4 3 12, तो फिर हो गया बी इज कल टू 12, और ये 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी बी इज कल टू 12 में से 4 गया 8, तो इसका मतलब हमें आंसर क्या दिखा, ए बराबर 4 और बी इज कल टू 8। तो ये आयशा हम लोग को ऑप्शन सी में दिख रहा है, इज कल टू 4 बी इज कल टू 8, तो ऑप्शन सी जो है इसमें सही है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है, 15 नंबर, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में इसमें भी दो समीकरण दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है कि कोई हल नहीं है, मतलब इस दोनों समीकरण के कोई हल नहीं है, तो के का मान ज्ञात करें। तो देखिए लिख देंगे, चूंकि ये 15 नंबर है, चूंकि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो बताइए आप, कोई हल नहीं होता कब, जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 हो, लेकिन ये c1 by c2 के बराबर नहीं हो। तो देखिए a1 कितना है जी, यहाँ पे a1 है आपका 2, बाई ए टू कितना है, ए टू है 4, बी वन कितना है 3, अब बी टू है k माइनस 1, और इज नॉट इज कल टू इधर है, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहीं पे क्रॉस इनटू कर लीजिए, तो 2 से दोनों में गुणा कीजिएगा तो 2k माइनस 2, और इज कल टू 4 यहीं 12, तो 2k इज कल टू 12, और ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 होगा, यानी k इज कल टू 12 2 14, ये 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 2 7 14, यानी k इज कल टू कितना हो गया 7। तो ऐसा हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। एंड फाइनली इसमें एक क्वेश्चन नीचे और है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 16 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इक्वेशंस दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन में समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में किसका अद्वितीय हल संभव है, यानी किसका केवल एक हल अद्वितीय हल। तो आप बताइए अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 by a2 इज नॉट इजकल टू b1 by b2 होता है, तब जाकर अद्वितीय हल होता है। तो आप चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिए, कहाँ a1 by a2 इज नॉट इजकल टू b1 by b2 है, तो ऑप्शन ए में देखिए, a1 है 1 का, a2 है 2, इजकल टू b1 है 1 का, b2 भी है 2, ये देखिए ना, ये तो दोनों बराबर ही है, बराबर नहीं होगा तब ना अद्वितीय हल होगा, ये तो दोनों बराबर ही है, इसका मतलब इसका अद्वितीय हल नहीं होगा। अब दूसरा समीकरण में, दूसरा ऑप्शन में आइए, ये क्या है, a1 है 1 का, a2 है 3, b1 है -1 और b2 है -3, तो लीजिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी इक्वल दिख रहा है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में आइए, a1 है 2 और a2 है 4, लीजिए लिख दिए, आ b1 है 1 और b2 है -2, b1 है 1 और b2 है -2, ये भी 2 एकम 2 2 2 4 होगा, लेकिन ये +1/2 है, ये -1/2 है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है।
चूंकि ये दोनों बराबर नहीं हुआ इसलिए ऑप्शन सी का ही क्या होगा, अद्वितीय हल संभव होगा। क्लियर हो इतना? अब भाई ये कुछ और क्वेश्चन है अलग टाइप के, उसको भी समझते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी दो अंकों वाली संख्या तथा उसे पलटने पर बनी संख्या का योग हमेशा विभाज्य होता किस संख्या से। समझिएगा, कोई भी दो अंक वाली संख्या है और उसको पलटने पर जो बनी संख्या है उस दोनों को जोड़ने पर जो आता है वो हमेशा किस चीज से विभाज्य होता है। जैसे मान लीजिए कि ये दो अंक वाली एक संख्या हम लिख दें 73, आप इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा 37 बनेगा, और ये फिर दोनों को जोड़िएगा तो योगफल कितना आएगा 3 और 7 10, हर्षिल 1 और फिर 7 3 10 और 11 इतना आया ना। तो ये किस चीज से विभाज्य है, तो ये तो 5 से भी कट जाएगा, यहाँ देख रहे हैं आप 10 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमेशा किस चीज से विभाज्य होता है किसी भी दो अंक वाली संख्या को पलटने पर। यही नहीं, कोई भी दो अंक वाली आप संख्या पलट के चेक कर लो। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे 49 है और इसको पलटेंगे तो क्या होगा 94 होगा, तो फिर 9 और 4 9 और 4 13 का 3 हर्षिल 1 और 4 और 9 13 और 1 कितना होगा 14। तो आप यहाँ पे देखिए ये 143 आ गया, ये किससे कटेगा, ये तो 5 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, लेकिन ये 11 से कट जाएगा। बट फिर भी एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हालांकि इसका आंसर 11 ही होगा, बट 11 और सारे कंडीशन में आप कोई भी दो अंक वाली संख्या उठाइए उसको उल्टा कीजिए दोनों को जोड़िए जो आएगा वो 11 से डेफिनेटली कटेगा ही। बट अब आपके मन में सवाल आता है कि सर आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आपको वो भी हम बता देते हैं। जैसे दो अंक वाली संख्या, जब हम आपको पिछले क्लास में बताए थे इसके बारे में तो हम समझाए थे कि दो अंक वाली संख्या का मतलब 10x प्लस y होता है। मान लीजिए कि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा करके इकाई के अंक को जोड़िएगा संख्या निकल जाएगा, तो ये हो गया आपका संख्या। और संख्या के अंकों को जब पलटिएगा ना, अंकों को जब पलटिएगा तो यानी इकाई वाला चला गया दहाई पर, यानी जब y चला गया दहाई पर तो दहाई में ना 10 से गुणा होता है, तो 10y ये 10x जो है आ गए इकाई पर, तो 10y प्लस x यानी ये है हमारी संख्या 10x प्लस y, और अंकों को पलट दे तो बन गया 10y प्लस x। अब इस दोनों को जुड़िएगा थोड़ा तो क्या होगा 10x फिर x तो 11x, y या फिर 10y तो 11y। अब बताइए इसमें 11 कॉमन हो जाएगा, अब बचेगा क्या x प्लस y, तो ये 11 से 11 देखिए यहाँ पे इंटू में दिख रहा है, इसका मतलब ये तो 11 से कट ही जाएगा ना, कभी भी यहाँ गुणा में जब 11 दिख रहा है तो 11 से हमेशा कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा, तो इसलिए इसका आंसर हम डेफिनेटली 11 कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी दो अंकों वाली संख्या तथा उसे पलटने पर बनी संख्या का अंतर, यहाँ योगफल था, अब कह रहा अंतर किससे विभाजित होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट देखिए 10x प्लस वाई इसमें से माइनस करना है आपको क्या 10y प्लस x को माइनस करना है, तो क्या होगा 10x प्लस y अब माइनस 10y अब माइनस अब प्लस माइनस x। अब बताइए 10x में से x घटाएगा तो 9x बचेगा, और y में से 10y घटाएगा तो माइनस 9y बचेगा, अब इसमें 9 कॉमन होगा तो बचेगा क्या x माइनस y, तो यहाँ इंटू में 9 आ रहा है ना, इसका मतलब ये कभी भी किससे कटेगा 9 से कटेगा, यानी अंतर जो होता है वो हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, दो अंकों वाली संख्या तथा उसे पलटने पर बनी संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो 11 से कटेगा, घटाएंगे तो 9 से कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 का 9। अब इसको चेक कर सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं यहां 82 ठीक है, और इसको पलटिएगा तो क्या बनेगा 28, और इसको घटाइए तो 12 में से 8 गया 4 और यहां बचेगा 7, 7 में से सॉरी 12 में से 8 गया 4 और फिर यहां बचेगा कितना 7, 7 में से 2 गया 5, तो कितना आया 54, 9 से कट जाएगा कि नहीं 9 6 54, तो ये हमारा आंसर सही है। अब देखिए इसके बाद 19 नंबर, किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यानी दो कोण को जब जोड़ रहे हैं तो तीसरा कोण के बराबर आ रहा है ठीक है। अब फिर कह रहा है कि यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है तब उस त्रिभुज के कोणों को ज्ञात करें, तो जब ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप डायरेक्ट मतलब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे, यानी यहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कह रहा है कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो देखिए तो इस दोनों को यहां भी आप पहले ऑप्शन बी को हम चेक करके बताते हैं 45, अब 45 जब दोनों को जोड़िएगा तो तीसरे कोण के बराबर होगा कि नहीं, लेकिन यहां एक और कह रहा है कि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो देखिए तो इस दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये गलत है। यहां देखिए इस दोनों का योगफल
मतलब पहला और दूसरा कोण का योगफल तीसरे के बराबर होगा? नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन ए में अगर चेक किया जाए तो पहला और दूसरा कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाएगा, 30 और 60 90, और 30 और 60 डिग्री दोनों में 30 डिग्री का अंतर भी है, 30 डिग्री नहीं है इससे ज़्यादा है जी, और ये इससे 30 डिग्री कम है, तो 30 डिग्री का अंतर भी है। यानी यही एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप समीकरण बनाकर सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, यहाँ दो समीकरण बनेगा, उसको वैसे समीकरण बना के आप सॉल्व कर सकते हैं, बट चूंकि ऑब्जेक्टिव में आ रहा है इसलिए इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समीकरण बनाएगा तो फिर काफी लंबा होगा। अब देखिए 20 नंबर, किसी भिन्न का अंश हर से दो कम है, जब अंश में एक घटा दिया जाए और हर में एक बढ़ा दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। यह भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, अंश जो है हर से दो कम है, इसमें इस मतलब ऐसे क्वेश्चन में दो कंडीशन रहता है। तो देखिए इसमें पहला कंडीशन है कि अंश जो है हर से कितना कम है, दो कम है। तो देखिए पहला कंडीशन 3 और 5, देखिए अंश हर से 2 को कम दिख रहा है, तो पहला कंडीशन तो ये फुलफिल कर दिया। ये भी देखिए ना 1 और 3, अंश यहाँ भी हर से 2 को कम है, पहला कंडीशन तो ये भी फुलफिल कर दिया। ऑप्शन डी देखिए 5/7, तो लीजिए 5 भी 7 से 2 कम है, तो पहला कंडीशन कह रहा था कि अंश हर से 2 कम है, तो इसमें भी अंश हर से 2 कम है, इसमें भी अंश हर से 2 कम है, और इसमें भी अंश हर से 2 कम है, इसमें तो अधिक है, तो इसमें अधिक जब है तो ये तो किसी भी तरह नहीं हो सकता है। फाइनली यहाँ समझ में आ गया, लेकिन ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि तीनों में अंश जो है हर से 2 कम दिख रहा है। तो अब दूसरा कंडीशन देखिए, जब अंश से 1 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तब वह 1/2 हो जाता है। अंश से 1 घटाइए, 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 होगा, और हर में 1 बढ़ाइए तो 5 में 1 बढ़ाइएगा तो 6 होगा, तो कटाइए तो इसको 2 एकम 2, 2 3 6, तो क्या हुआ 1/3 हुआ, लेकिन यहाँ कह रहे 1/2 होने के लिए, तो ये तो नहीं हुआ ना। अब ये देखिए यहाँ 1/3 पे अंश से 1 घटा दीजिए, तो 1 है, 1 घटा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और हर में 1 बढ़ा दीजिए तो 4 हो जाएगा, तो 0 में किसी भी चीज़ से भाग देने पर 0 आता है ना, लेकिन 0 नहीं 1/2 आना चाहिए, यानी ये भी नहीं होगा। तो जब ये 3 को नहीं होता फाइनली यही होने वाला है, बट चेक कर लीजिए मन कर रहा है तो। अंश से 1 घटा दिया जाए तो 5 में से 1 घटाइएगा 4 होगा, और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो 7 में 1 बढ़ाइएगा तो 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो क्या आया 1/2, यहाँ भी कह रहा था वह 1/2 हो जाती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है जी, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अब आप लौटिए क्वेश्चन नंबर 21 पे, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण 2 दिया हुआ है, x+y = 7 और x-y = -1, इसके हल कौन है, 4 वो ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। तो एकदम आसान है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि दो को संख्या ऐसे सोचिए जिसको जोड़ने पर 7 आए और जिसको घटाने पर -1 आए। तो देखिए ना पहला समीकरण तो सारा सेटिस्फाई कर रहा है, x+y = 7, तो ये देखिए 4 और 3 जोड़िएगा तो 7 होगा, 5 और 2 जोड़िएगा तो 7 होगा, 3 और 4 जोड़िएगा तो 7 होगा, 7 और 0 जोड़िएगा तो 7 होगा, तो पहला समीकरण तो ये चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिया, तो चारों सही नहीं ना है जी। दूसरा समीकरण भी जो सेटिस्फाई कर देगा वो ना सही आंसर होगा। तो देखिए ये x-y = -1 कह रहा है ना, तो बताइए x = 4 है, y = 3 है, घटाइएगा तो -1 आएगा क्या, +1 आएगा, तो ये संतुष्ट नहीं किया, ऑप्शन ए गलत निकला। ऑप्शन सी देखिए x = 5 y = 2, तो 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 आएगा, -1 लाना है, यानी ये भी गलत है। ऑप्शन डी देखिए 7 - 0 घटाइएगा तो 7 आएगा, -1 लाना है। ऑप्शन बी देखिए 3 - 4 3 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा जी, हाँ -1 बचेगा, और -1 भी लाना था, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपको बनाना है 22 नंबर, और यहाँ पे कहा जा रहा है के किस मान के लिए, ये समीकरण दिया है, क्या है जी समीकरण आपका, k-2 x + 3 = -5, ये समीकरण दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका हल -2 है, यानी समीकरण का हल कितना दिया है, -2, लीजिए हल जो -2 दिया है यही हो जाएगा x का वैल्यू, तो x के जगह पे -2 पुट कर लीजिए, अब +3 = -5 है। अब बताइए -2 से इस दोनों में गुणा कीजिए तो -2 के, अब -2 दुना 4, अब +3 = -5,
फाइव। अब बताइए माइनस टू के आ चार आ तीन सात होगा बराबर माइनस पांच, यानी माइनस टू के बराबर माइनस फाइव। अब प्लस सेवन इधर आएगा तो माइनस सेवन, यानी के इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। माइनस पांच माइनस सात माइनस बारह। अब माइनस दो गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, दो छके बारह, यानी के बराबर क्या आ गया भाई, वो छ आ गया। यानी आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी के इज इक्वल टू क्या हो गया सिक्स। क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी और अलग अलग टाइप्स के बचे थे टू पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। और इसी वीडियो के साथ तीसरा चैप्टर क्लास टेंथ का पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण, उसको स्टार्ट किया जाएगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, उसके जो भी फॉर्मूलाज है उसको डिराइव करके देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।